हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर कंप्यूटर टीचर। नेक्स्ट है यूजिंग द मैग्नीफायर टूल्स। मैग्नीफायर आप सब जानते हो, है ना, टूल बॉक्स में मैग्नीफायर यहाँ पे है ना। यू कैन मेक अ पिक्चर लुक मच बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज बाय यूजिंग द मैग्नीफायर टूल। इट मीन्स अगर हमें अपने पिक्चर को जितने बड़े साइज में, उससे ज़्यादा बड़े साइज में देखना हो, कि अगर मान लीजिए कि हम इसके फिश के जो विंग्स हैं उसमें हमें कलर फील करना है, तो इस फिश के विंग्स को हमको दो तीन कलर में फील करना है, ठीक है। तो हम अगर हम इसमें कलर डालेंगे तो ये देखिए कई जगह से ये फ्री है, मतलब कि खुला हुआ है, तो हम एक कलर अगर यहाँ पे हम गिराएंगे तो ये सब में फील हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस मैग्नीफायर की हेल्प से इसको देखेंगे बड़े साइज में करके ना, उसका बिग साइज लेकर, तो हम ये जो दिख रहा है छोटा छोटा जो ओपन है जगह, उसे हम लोग बंद कर सकते हैं, और अलग अलग उसके विंग्स में हम कलर को अगर फील करेंगे तो वो जिसमें हम कलर को फील करेंगे सिर्फ उसी में ये कलर जाएगा। तो हम लोग इसीलिए मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बहुत छोटा होता है, या फिर उसमें अलग अलग तरीके का हमको कलर चूज करना होता है, तो हमें दिखता नहीं कि कहाँ से कलर मतलब एक ही कलर कैसे सब में हो गया, तो हम इसे मैग्नीफायर की यूज़ करके उसको बड़ा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ से वो फिगर खुला हुआ है जिसमें सारा चला गया। तो हम इसको ओपन करने के लिए कैसे देखते हैं, क्लिक ऑन मैग्नीफायर इन टूल बॉक्स। हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉन्ट टू मैग्नीफाई योर पिक्चर? वंस, ट्वाइस, सिक्स टाइम्स एंड एट टाइम्स। सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, मूव द माउस पॉइंटर एंड ड्राइंग एरिया द माउस चेंज। इट मीन्स हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी एरिया है उसे सेलेक्ट करेंगे, जो भी एरिया हम मैग्नीफायर करके देखते हैं उसे सेलेक्ट करके हम लोग देखेंगे इसको। ओके, नाउ यूजिंग द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इट मीन्स लिखने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं। जैसे हमने कोई फिगर बनाया, या हमने अपना इस फिगर पे अपना हमें नेम राइट करना है जो भी, तो हमने अपने नेम को जब राइट किया तो वो नेम क्या करना है, हमें नेम राइट करने के लिए ऐसे ही नेम यहाँ लिखने के लिए नहीं आएगा जब तक कि हम टेक्स्ट टूल नहीं लेंगे। टेक्स्ट टूल हमारा ये टूल बॉक्स में यहाँ पे ये ए जो आपको बच्चे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे है ना, ये टेक्स्ट टूल है, ये टेक्स्ट टूल है, ठीक। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको राइट करना है, ये फॉन्ट की साइज है, ये हमें कौन सी इंग्लिश लिखनी है। यहाँ पे थ्री टाइप्स के हमको ऑप्शन दिए, जैसे बोल्ड लिखने के लिए, इटैलिक लिखने के लिए, और जो लिखा है उसको अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। फिर हमें ये बॉक्स दिखाई देता है जिसमें हम लोग कुछ राइट करते हैं ना, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो जो भी कुछ हम इसमें राइट करेंगे वो हमको दिखाई देगा, ठीक। तो इस ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक, यहाँ राइट करने के लिए होगा। ओके, तो हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं, क्लिक ऑन ए, जो ये बना है ऐसे ही सैम्पल वैसे ही बना होता है, उसमें टूल बॉक्स प्रेस द लेफ्ट माउस बटन कीपिंग इट प्रेस ड्रैग द माउस पॉइंटर टू मेक द टेक्स्ट बॉक्स। हम ड्राइंग एरिया में जो भी है माउस पॉइंटर को अपने क्लिक करेंगे ना, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करने के बाद ड्राइंग एरिया में माउस पॉइंटर को ले जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। द कर्सर विल अपीयर, एक कर्सर हमें दिखाई पड़ने लगेगा वहाँ पे, है ना। तो उस कर्सर से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे लिखने के लिए, मतलब कि राइट करने के लिए ये जगह हमको दे रहा है ना। द कर्सर विल अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स, सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स टाइप टू टेक्स्ट। मतलब कि हमें कोई अगर राइट करने के दौरान हमें जो हमने राइट किया उसका कोई कलर भी हमें चाहिए तो हम उसे कलर बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अ टेक्स्ट टूल बार विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, वह हमें स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। टू चेंज फॉन्ट साइज, उसकी हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं ना, सेलेक्ट द फॉन्ट टाइप एंड साइज फ्रॉम द टेक्स्ट टूल बार। मतलब कि जो भी ये हमें चेंज करना है इसके में, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज है यहाँ जहाँ 20 राइट है, यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉन्ट साइज ओपन हो जाता है। फिर ये इसका फॉन्ट स्टाइल है लिखने का, मतलब कि हम जो स्टाइल में लिखना चाहते हैं उसके लिए, तो ये सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ, ड्राइंग एरिया में, ठीक।